नमस्कार मित्रों, जय सियाराम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, सभी 12 भावों में सभी 9 ग्रहों के फल बताने की जो यात्रा लग्न से शुरू की थी मैंने, वह एक एक भावों से गुजरती हुई आज आ पहुंची है सप्तम भाव में। और आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सप्तम भाव की और इसमें बैठे सभी ग्रहों के फलों की। तो पहले बात करते हैं सप्तम भाव किन किन बातों के लिए जाना जाता है। देखिए, सप्तम भाव मुख्य रूप से जाना जाता है जीवन साथी के लिए। इस भाव को जया, काम, सौभाग्य, भार्या भाव भी बोलते हैं। इस भाव के अन्य विचारणीय विषय हैं विवाह, यात्रा, व्यापार, साझेदारी, स्वास्थ्य, मैथुन सुख, जनेंद्रिय। जीवन साथी कैसा होगा इसके लिए सप्तम भाव हमें बहुत कुछ बतलाता है। भावात भावम के सिद्धांत की अगर बात करें तो उसके अनुसार हम दशम भाव यानी कर्म भाव को जानने के लिए, कर्म के विषय में और पता लगाने के लिए इससे दशम भाव यानी सप्तम भाव पर भी विचार करते हैं। इसी तरह ये सप्तम भाव चतुर्थ भाव का चतुर्थ भी है, इसलिए माता और सुख का विचार करते वक्त भी हमें इस भाव को अवश्य ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। लग्न से ठीक सामने का ये भाव पार्टनर का भाव है और इस भाव से ही आपका सुख दुख, सफलता असफलता की बात सीधे तौर से जुड़ी होती है। यही कारण है मित्रों कि विवाह के बाद जब यह भाव चार्ज होता है तो किसी भी व्यक्ति के जीवन में एक बदलाव अवश्य आता है। ये बात और है कि यह बदलाव सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी। इसलिए मेरा ये मानना है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन का यदि समग्र रूप से अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें सप्तम भाव की भूमिका सबसे ज़्यादा होती है और महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कुंडली का सप्तम भाव वैवाहिक सुख से भी संबंधित है, हालांकि इसके लिए हमें सप्तमेश और सप्तम भाव के कारक ग्रह शुक्र को भी देखना ज़रूरी हो जाता है। सप्तम भाव पर अन्य ग्रहों के क्या एस्पेक्ट हैं इसे भी देखना ज़रूरी हो जाता है। सप्तम में बैठे पाप ग्रह मधुर दाम्पत्य जीवन में बाधा खड़ी करते हैं। द्विस्वभाव राशि की लग्न है तो सप्तम भाव बाधक भाव बन जाता है। प्रायः सूर्य, मंगल, राहु, केतु का सप्तमस्थ होना जीवन साथी से संबंधों को खराब करता है। तो आइए जानते हैं कि सप्तम भाव में सभी ग्रहों के भावगत फल क्या होते हैं। तो शुरू करते हैं सूर्य से। सूर्य का सप्तम भाव में होना वैवाहिक सुख की दृष्टि से अच्छा नहीं समझा जाता। दाम्पत्य सुख में कमी होती है। यदि अन्य बातें भी अनुकूल ना हुई, जैसे सप्तमेश व कारक भी खराब हुए, तो फिर ये तलाक या दूसरे विवाह के योग भी बना सकता है। यहाँ बैठे सूर्य राजकीय कृपा लिए अच्छे होते हैं। बहुत संभावना होती है कि जातक को गवर्नमेंट जॉब मिले, वह राजनीति में सफल हो। पॉलिटिक्स के लिए यहाँ बैठे सूर्य बहुत अनुकूल प्रभाव देते हैं। शिक्षा या चिकित्सा के क्षेत्र में जातक सफलता प्राप्त करता है, लेकिन सूर्य का अनुकूल होना ज़रूरी है। यहाँ बैठे सूर्य जातक को भ्रमण भी खूब करवाते हैं। जीवन साथी क्रोधी व अहंकारी हो सकता है और इसकी वजह से ही मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होती है। पॉलिटिक्स के लिए सूर्य यहाँ उत्तम है, या प्रशासनिक सेवा के लिए भी सूर्य यहाँ अच्छे फल करते हैं। सप्तमस्थ सूर्य हो तो कुंडली का प्रॉपर मिलान करवा के ही विवाह करवाना चाहिए या करना चाहिए, वरना जीवन साथी के साथ संबंध कटु बने रहेंगे। यहाँ सूर्य जातक को बहुत अच्छी पर्सनैलिटी भी देता है।
यश सम्मान प्रतिष्ठा देता है, समाज में आध्यात्मिक बनाता है, प्रायः राज सत्ता का सुख या जुड़ाव देता है, बशर्ते राहु से दूषित ना हो। आइए अब बात करते हैं चंद्रमा की। सातवें भाव में चंद्रमा प्रायः सुंदर जीवन साथी दिलवाते हैं, व्यापार में लाभ प्राप्ति करवाते हैं, जातक को भोग विलास के साधन उपलब्ध करवाते हैं। वह धनी ऐश्वर्यवान जीवन साथी से धन लाभ प्राप्त करता है, सुखी गृहस्थ जीवन देते हैं चंद्रमा यहाँ। लेकिन अगर चंद्रमा दूषित हुए तो ये फल विपरीत हो जाते हैं। यहाँ चंद्रमा होने से आजीविका के साधन बदलते रहते हैं। व्यक्ति को घूमने फिरने का बहुत शौक होता है, जातक मृदुभाषी होता है। क्षीण चंद्रमा दाम्पत्य सुख खराब करते हैं। जीवनसाथी से मनमुटाव या पीड़ा प्राप्त होती है। जातक को मानसिक दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। जातक की भोगों के प्रति आसक्ति होती है। चंद्रमा मन का स्वामी है, अतः ऐसा होना स्वाभाविक ही है। जातक बहुत मूढ़ी स्वभाव का हो जाता है, या यूँ कहें कि बेतरतीब दिनचर्या होती है उसकी। लेकिन ऐसा जातक पितरों क्रिएटिव बहुत होता है। दूषित चंद्रमा हो यहाँ तो फिर भगवान शिव की आराधना करें और चंद्रमा से संबंधित उपाय अवश्य करवाएं। मित्रों, शेष ग्रहों के फल मैं अगले वीडियो में कहूँगा। फिलहाल तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक जय सियाराम, नमस्कार।